छात्र जी, आज जो नौबत आ रही है ये बहुजन समाज के लिए, और एक तरफ आरक्षण की बात आती है, एक तरफ और बातें आती हैं, और तरह तरह से इन्हें धमकाया जाता है, तो आप इतना बड़ा आंदोलन लेके चल रहे हैं और आंदोलनकारियों को तो एकदम चुप कर दिया जाता है। श्रीमान जी, मैं बताना चाहूँगा कि देश के अंदर जो आरक्षण की बात चल रही है, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस देश में दलितों का भी बहुत बड़ा इतिहास रहा है आज़ादी की लड़ाई में। दलितों ने भी आज़ादी की इस लड़ाई में बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा भाग लिया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आरक्षण पर जो बात चल रही है, मैं जो आरक्षण का विरोध करने वाले जो है उनसे कहना चाहूँगा कि ठीक है, हम आरक्षण को इनको दे देते हैं, आरक्षण बंद कर दो, लेकिन सबसे पहले इस देश से जातिवाद मिटा दो और हमें अलग से निर्वाचन का अधिकार दे दो, मैं ये कहना चाहूँगा। और आज मध्य प्रदेश वाल्मीकि महापंचायत दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ है राहुल भौदिया जी के नेतृत्व में, तो दिल्ली के सारे संगठन, देश के सारे संगठन से हम निवेदन करना चाहते हैं कि दलितों के लिए जो देश में तरह तरह की जो आवाज़ें उठती हैं, जो टिप्पणियाँ होती हैं, तो हम वाल्मीकि संगठन सारे एक हो रहे हैं और निवेदन करते हैं कि वाल्मीकि समाज को अलग से आरक्षण दिया जाए, क्योंकि इस देश में जो 48 जातियाँ हैं उसमें वाल्मीकि समाज सबसे पीछे है, वाल्मीकि समाज को अंत में रखा गया, पीछे रखा गया, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। तो हम सरकार से, सरकार जो भी बने, हम सरकार से ये मांग करेंगे कि वाल्मीकि समाज को अलग से आरक्षण, प्रत्येक आरक्षण दिया जाए। छात्र जी, एक तरफ जब आरक्षण की बात आती है, रिजर्वेशन की बात आती है, आज जब उस समय बाबा साहब ने किस परिस्थितियों के अंदर कुछ परसेंटेज से आरक्षण मांगा होगा, लेकिन आज जो लोगों की जो जनसंख्या है वो आज दलित समाज की या बहुजन समाज की उसके अंदर कई लाख या करोड़ों में चल रही है और आरक्षण वहीं की वहीं है। मैं बताना चाहूँगा आरक्षण वहीं की वहीं है, लेकिन जो संघर्ष कर रहे हैं, बाबा साहब की बात अगर आपने की है तो बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया, बाबा साहब ने हमारे लिए ऐसे रास्ते बनाए हुए हैं जिसके आधार पर हम प्रगति कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ वाल्मीकि समाज की बात करना चाहता हूँ, ना कि किसी विशेष जाति की। तो वाल्मीकि समाज को लेकर इस देश में तरह तरह के जातिवाद, हमें घृणाहीन भावना से देखा जाता है। आज हमें कोई भी हमें झाड़ू बर्तन पर नहीं रखता अपने घरों में, हमें सिर्फ हमें नगर निगम में झाड़ू की नौकरी मिलती है, इसलिए इस देश में आरक्षण के हकदार असली हमें प्रत्येक आरक्षण दिया जाए। तो आप किस प्रकार से आरक्षण लेना चाहते हैं और मतलब किस मुहिम तक आप इस जंग को लड़ेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि आरक्षण की बात आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम सुना होगा जी, जो कि महापुरुष रहे, उन्होंने बताया कि सबसे अंतिम छोर के व्यक्ति को आगे लाइए, उन्हें बढ़ाइए। तो मैं इसी में कहना चाहूँगा इस देश की सरकार से कि आज आरक्षण की ज़रूरत वाल्मीकि समाज को है, कि हमें अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं, हमारे साथ जातिवाद होता है, हमें हीन भावना से देखा जाता है, तो हमें आगे लाने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना पूरा करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि साथियों कि अब हरियाणा और गुजरात और राजस्थान की तर्ज पर ही जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारे ऊपर देश की सरकार ध्यान देगी, जब भी आरक्षण लागू करेगी क्या। लेकिन सर, अभी आपने सभी इन तीन चार राज्यों के नाम लिए, तो आपने उत्तर प्रदेश को ही क्यों अछूता छोड़ दिया? उत्तर प्रदेश में अभी आरक्षण की मांग नहीं की गई थी, इसमें इन तीनों राज्यों में की गई थी, और अभी पंजाब में और हरियाणा में और लगभग पाँच सरकारों में, पाँच राज्यों में आरक्षण लागू है, उसकी तर्ज पर हमें अभी 5% आरक्षण दे तो हमारे वाल्मीकि समाज का उद्धार हो जाएगा। लेकिन सर, वो माना जाता है जब बाबा साहब की बात करते हैं तो कि, और एक आगरा के अंदर भी ऐसे बोल दिया था बाबा साहब ने, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, क्या आप लोग पढ़े लिखे हो के भी धोखा दे रहे हैं? हाँ, ये बात सत्य है, बाबा साहब ने सही कहा, मुझे आज बड़ा दुख है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो बाबा साहब ने ये कहा था कि जो पढ़ लिख कर बाबा साहब ने जो अधिकार दिए पढ़े लिखने का, बाबा साहब के माध्यम से मिला, आज उन्हीं के माध्यम से मुझे अधिकार मिला, मुझे बोलने का अधिकार यहाँ बाबा साहब के माध्यम से मिला। तो बाबा साहब ने ये बात इसलिए कही थी कि वह उच्च पदों पर बैठ गए और समाज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, समाज का काम नहीं कर रहे, समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे, इसलिए बाबा साहब ने ये बात कही थी कि जो पढ़े लिख कर उच्च पदों पर बैठ गए वो समाज में काम करें और अपना 5% हिस्सा समाज को विकास के लिए आगे लाएं, आगे दें। छात्र जी, एजुकेशन जरूरी है या आरक्षण जरूरी है? पहले एजुकेशन करें या आरक्षण मांगेंगे? वैसे तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, वैसे तो हाँ एजुकेशन बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा डालेगा। आपने सुना होगा कहावत, पुराने समय में मैंने किताबों में पढ़ी थी कि धन दौलत सब चुर जाएगी लेकिन शिक्षा कोई नहीं चुरा सकता, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन अगर जाति व्यवस्था के आधार पर आरक्षण की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम आरक्षण दे देते हैं, लेकिन इस देश से जातिवाद को मिटा दो।
इस देश से जातिवाद को मिटा दो और हमें अलग से निर्वाचन का अधिकार दे दो, तब हम मानेंगे हमारा उद्धार। छात्र, जातिवाद को कौन खत्म करेगा? जातिवाद किसने बनाया था? जातिवाद ये मानववादी व्यवस्था ने बनाया है, ये जातिवाद और पनपता जा रहा है। इसलिए मैं देश की सरकार से निवेदन करूंगा कि जातिवाद व्यवस्था पर कड़े से कड़ा कानून बनाएं, कड़े से कड़ा कानून बनाएं। इसलिए बनाएं कि इस घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। जैसे अभी आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता सलमान खान जी ने एक विशेष जाति वाल्मीकि को भंगी शब्द कहकर अपमानित किया, तो मैं कहना चाहूँगा कि शीघ्र ही सलमान खान जी ने यदि माफ़ी नहीं मांगी तो इस देश में वाल्मीकि समाज बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। लेकिन सर, उससे पहले कुमार विश्वास ने बोला था एक वो व्यक्ति था जिसने जातिवाद को बढ़ावा दिया। सर, ये मुझे जानकारी नहीं लग पाई, मैं इस विषय में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन अब साथियों, हम वैचारिक क्रांति वाल्मीकि युवाओं में आ चुकी है। अब नेता हो या अभिनेता कोई भी हो, अगर वाल्मीकि समाज पर टिप्पणी करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।